गाइस आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी बातें पे, यानी कि इंग्लिश में बोले तो अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, आपको बता दें कि शाहरुख खान इस मूवी से 4 साल बाद कमबैक कर रहे थे बॉलीवुड में। उनकी लास्ट मूवी थी 2018 में जीरो मूवी, जो वो कुछ खास नहीं गई थी, एक प्रकार से फ्लॉप मूवी गई थी जीरो मूवी। पॉइंट, आपको बता दें केसी ओनिल जिन्होंने टॉप गन मैवरिक मूवी में काम किया था, पठान मूवी में उन्हें स्टंट कोरियोग्राफर के रूप में लिया गया था, वो स्टंट कोरियोग्राफर थे इस मूवी के। पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा मूवी के जब एंड में सलमान खान शाहरुख खान जब ट्रेन पे वो ब्रिज के पास एक बातचीत करते हैं, यार हमें 30 साल हो गए काम करते करते, अब हमारी जगह मूवी में कौन लेगा। तो ये उनके वास्तविक जीवन से लिया गया एक संदर्भ, मूवी का कुछ नहीं था, इन लोगों की खुद रियलिटी ये लोग डिस्कशन कर। एक था टाइगर 2012, जिंदा है 2017 और वॉर 2019 के बाद। पठान मूवी चौथी यशराज फिल्म्स की मूवी थी जो जासूसी पे बेस मूवी थी। और आपको बता दें इसी साल इसकी टाइगर 3 यानी 5वीं यशराज की जासूसी मूवी आने वाली है। पॉइंट, आपको बता दें दिल आसना है मूवी के बाद 30 साल बाद पहली बार शाहरुख खान के साथ डिंपल कपाड़िया मूवी में काम करी थी। इससे पहले उनका आदान प्रदान नहीं हुआ था, तो ये 30 साल बाद इन दोनों की फर्स्ट मूवी थी। पॉइंट, आपको बता दें पठान मूवी जो सॉन्ग है बेशरम रंग, इसको 1 घंटे में 1 मिलियन व्यू से अधिक ज़्यादा बार लोगों ने देखा था। साथ ही साथ ये सॉन्ग विवाद में भी रहा था क्योंकि दीपिका पादुकोण गोल्डन रंग की जो वेशभूषा पहनी थी वो भगवा रंग के जैसे मैच खाता, इस पर बवाल हुआ था सॉन्ग। पॉइंट, आपको बता दें कि आशुतोष राणा और शाहरुख खान ने फर्स्ट टाइम पहली बार एक दूसरे के साथ इस मूवी में काम किया था। आपने देखा होगा मूवी में शाहरुख खान 2 बार किरण किरण करके गाते हैं और एक गुड नाइट किरण बोलते हैं, जो उनके प्रसिद्ध के संदर्भ डर मूवी 1993 में भी उनने यही डायलॉग बोला जो फेमस हुआ था, और रेखा के एक सॉन्ग तू है मेरी किरण में भी यही ऐसा कहा गया है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर मूवी के बाद यशराज फिल्म्स की ये चौथी एक एक्शन वाली मूवी है पठान, जो इसमें काफ़ी एक्शन देखा गया है। पर आपको बता दें शाहरुख खान और जॉन अब्राहम का जो पंच जो प्रेरित है WWE सुपरस्टार रोमन रेंस के सुपरमैन पंच से प्रेरित है, उनका मेरा तो फेवरेट एथलेटिक है। पॉइंट, बेशरम रंग सॉन्ग 1958 में ही अल हिलाल मूवी के सॉन्ग हमें तो लूट लिया हुस्न बालों से लिया गया था, और उसकी धुन भी काफ़ी तुम बिन मूवी 2001 में ही मतलब याद और मेकवा जैसे सॉन्गों से लिया गया था। करम की तलवार अर्जुन का जो सॉन्ग था, और जो सुखविंदर को जो झूमे जो पठान जो सॉन्ग द बारिश प्रिंस को दिया गया था वो इसी से मिलता जुलता प्रेरित है ये सॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, आपको बता दें कि पठान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है जो ब्रह्मांड में स्थापित है, शाहरुख खान रॉ एजेंट का भूमिका निभा रहे हैं, जो कि टाइगर अपने दोस्त पठान की मदद करने के लिए दोस्त बन के जो भूमिका निभाते हैं, और वॉर से कबीर और टाइगर टाइगर जिंदा है से जोया का उल्लेख किया। तो ये थी पठान मूवी से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इससे धमाकेदार वीडियो में। ओके।